दोस्तों, धरती पर जैसे कचरे की समस्या है, उसी तरह के प्रॉब्लम अब हमें स्पेस में भी दिखाई पड़ रहा है। स्पेस में स्पेस जंक बहुत ही बढ़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ पर्सनली जाके वहाँ झाड़ू मार सकें, इसलिए हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे कि उससे वो कम हो जाए। इस तरफ US ने अपना पहला हाथ बढ़ाया है। US ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट को बैन कर दिया है और ऐसे करने वाला वो पहला देश बन गया। दरअसल स्पेस में इंसानों के द्वारा भेजी गई ऐसी चीज़ें जिनका अभी उपयोग नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट और सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए उपयोग में लाने वाली वस्तुएं, इनको जब ये नाकाम हो जाते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे कि अमेरिका ने आज से 14 साल पहले अपने ऐसे ही एक जासूसी इनएक्टिव सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के मदद से डिस्ट्रॉय किया था। और पिछले साल नवंबर 15, 2021 को रूस ने भी अपने ऐसे ही एक इनएक्टिव सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से उस सैटेलाइट का मलबा अर्थ के लो ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है। इसकी वजह से वो ISS और चाइना के तियांगगुंग स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन गया है।